नमस्कार, रेडियो मधुबनी में आपका स्वागत है। हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, जिसकी काफ़ी सारी वजह हैं। एक तो जो हमारा मेन काम है एनजीओ का, जिसमें हम किसान के साथ हेल्थ के विषय पर, एजुकेशन के विषय पर काम करते हैं, उसके लिए काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं कि रेडियो मधुबनी कोई फ़िश फार्मिंग का चैनल है, वो इसलिए कि काफ़ी सारा टाइम हमने बीच में फ़िश फार्मिंग पे निकाला और उसके ऊपर रिसर्च करते रहे, लोगों से मिलते रहे। इधर भी काफ़ी जगह जाना हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिला जो समझ में आए कि ये दिखाने लायक है या इसमें कोई वैल्यू है। और फिर यूट्यूब पे इतना कुछ फ़िश फार्मिंग को लेके खेल कूद होती रही, जिसमें हम अपने आप को कहीं खोज नहीं पाते। और बहुत सारा झूठ तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इम्प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वो देखने को मिलता है। जैसे मैं ये मानता हूँ कि अभी तक जितनी ट्रेनिंग्स हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, अगर 50,000 लोगों ने ट्रेनिंग की है तो क्या 10,000 ने भी फ़िश फार्मिंग शुरू की है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह से हो सकता है करोड़ों रुपए के सामान बिक गए होंगे, टैंक, मीटर, ब्लोअर, हजार चीज़ें, फीड, सीड, पर क्या 50 लाख की, 70 लाख की, 1 करोड़ की मछली बिकी है इस एक साल में? अगर इनके जवाब नहीं है तो कहीं कुछ गड़बड़ है। हमारा जो उद्देश्य रहता है वो है कि छोटे से छोटा किसान छोटी से छोटी जगह में छोटी से छोटी लागत में कुछ कमा ले, कुछ खा ले। ऐसे मॉडल्स पे हम काम करते रहते हैं, लेकिन जब तक वो परिपक्व हालत में नहीं आ जाता हम उसको शो नहीं करते हैं आपके साथ। इस बीच मेरे एक और मित्र हैं इजाज भाई, जो इजू के बिज़नेस आइडियाज़ करके चैनल चलाते हैं। उन्होंने 2 वीडियो पोस्ट किए हैं, जिसमें एक शख्स जो है वो मुर्गी पालन, छोटे से मुर्गी पालन के साथ 15x15 में मछलियाँ पाल के बड़े खुश हैं। और एक और लड़का, दोनों आरा से हैं, एक और हैं सज्जन जिन्होंने 2 छोटे छोटे तालाब बनाए हैं और उससे बहुत खुश हैं। अगर आप छोटे तालाब बनाते हैं और अपने खर्चे कम रखते हैं, खाना अपना हिसाब से देते हैं, बाजारू खाने पर डिपेंड नहीं करते हैं, आपको बिजली की आवश्यकता नहीं है, बीच बीच में पानी बदलते रहते हैं, तो आपको बराबर उतने रिजल्ट मिल जाते हैं जिससे आपको प्रॉफिट आ जाएगा। और इस चीज़ को लेकर हमने थोड़ा बहुत पढ़ाई भी की है, और आप शायद तस्वीर भी देख रहे होंगे कि वो जो 2 तालाब की बात मैं कर रहा हूँ, होगा तो लिंक भी मैं डाल दूँगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम देखते रहते हैं। इधर हमारे अपने कैंपस पर भी जो हमारे बायोफ्लॉक के साथ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं वो अब प्रोग्रेसिव स्टेज में है। अब हमें ये समझना है कि जब ये टेम्परेचर उछल कूद करेगा तो इसको हम कैसे मैनेज करने वाले हैं। तालाब में भी टेम्परेचर आगे पीछे होने वाला है, तो वहाँ पे भी देखना होगा। तो ये कलेक्टिव रिपोर्ट्स करके दिसंबर जनवरी तक हमको कुछ रिजल्ट्स साथ में मिलने वाले हैं। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद जब हम निकले तो मैं आपको एक ऐसे सुपर फार्मर से मिलाना चाहता हूँ जो उम्र में हम सबसे बहुत छोटा है। 8वीं क्लास में पढ़ता है, अपने पापा के साथ मछली पालन के साथ मुर्गी पालन, बत्तख पालन, हनी बी के लिए, सबके लिए काम करता है। उसकी कितनी जिज्ञासा है, कितना कुछ वो करता है, कितनी उसकी समझ है, ये आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जबकि वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, ये जस्ट उसका एक इंटरेस्ट है। और अगर किसान के बच्चों में इस तरह का इंटरेस्ट जग सका तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मेरा नाम अंशुमान मजुमदार है, मैं क्लास 8th में पढ़ता हूँ DPS डूडू में। और हमारे यहाँ पे पड़ोसोली जो दूधू तहसील और जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वहाँ पे हमारा फार्म है। और हम हमारे फार्म पे एक्वाकल्चर और पोल्ट्री करते हैं। और हम अभी 60,000 कतलास रखी हुई है और हम उसमें रिसर्कुलेशन करते रहते हैं वाटर का और उन्हें फीड करते हैं। और फिर उन्हें बड़ा होने के बाद उन्हें मंडी में गाज़ियाबाद वाली में बेच देते हैं। हमारे पास 2 पॉन्ड्स है, 80x30x6 फीट का एक है और दूसरा है 80x25x4 फुट्स का। और हम एक में कातला रखते हैं और दूसरे में मांगूर रखते हैं, ठीक है। और हम स्वैंस और जो चिकन्स होती है उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसे हम पॉन्ड्स में डाल देते हैं, जिससे कि उससे प्लैंकटन ब्लूम्स होते हैं। और प्लैंकटन ब्लूम्स फिशेज के लिए बहुत अच्छा फीड है। और उसके बाद हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब कोई बाहर के बर्ड्स आके उन्हें हर्ट ना करे, या सैलिनिटी लेवल, pH लेवल्स वगैरह बैलेंस रहे। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फीड में रहना चाहिए, आर्टिफिशियल फीड हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। हमारे फिशेस का अभी वेट अप्रॉक्सीमेटली 800 ग्राम्स हो गया है, फ्रॉम 600 to 800 ग्राम्स कतला के लिए। और मागूर हो गए हैं 500 to
600 ग्राम्स। एक्सटर्नल फीड देते हैं कभी कभी जब मतलब रिक्वायरमेंट होती है। ये स्वैंस है और ये वाली ब्रीड बिल्कुल भी मछलियाँ नहीं खाती। हम देसी चिकन्स भी पालते हैं जिसको हम फ्री रेंजर्स भी करते हैं और हम उन्हें पोल्ट्री के लिए भी यूज़ में करते हैं, जिसमें हम उनसे एग्स लेते हैं और उन्हें मीट पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। डेली हमारे अप्रोक्सीमेटली 150 चिकन्स में से हमें अप्रोक्सीमेटली हमें 10 एग्स मिल जाते हैं डेली, और हम उन्हें यूज़ करते हैं खाने के लिए, और हम जो बाकी का जो एग्स वगैरह होते हैं उन्हें हम सेल ऑफ कर देते हैं मार्केट में। और मीट है वो हमें जब हम डालते हैं चिक्स को 1 डे ओल्ड को, तब उन्हें 6 मंथ्स के अप्रोक्स लग जाते हैं फुली ग्रोन होने में और उन्हें मार्केट में सेल करने में। 6 मंथ्स के होने के बाद उन्हें हम गाज़ियाबाद मंडी में सेल कर देते हैं, और उसके बाद हम दोबारा जब करते हैं तब हम उन्हें नेचुरल फीड देते हैं, जैसे कि बाजरा हो गया, और फिर आपके जो हाउस के जो हाउस होल्ड के जो वेस्ट होते हैं, जैसे कि आपके वेजिटेबल्स के वेस्ट पील्स वगैरह होते हैं, उन्हें हम यूज़ करते हैं इन चिकन्स को फीड करने के लिए। अभी हम कुछ टाइम में एपिकल्चर करने वाले हैं, जिसका मतलब है बीज को पालना, और इसमें हम कई तरीके के इनके हाउसेस बना सकते हैं, जैसे कि न्यूटन हाइव्स बना सकते हैं। और हमें सबसे बड़ी बात का ध्यान रखना होता है कि इन्हें ओपन एरिया है, आसपास 1.5 से 2 किलोमीटर्स में इनके पास वाटर सोर्स है, 800 मीटर के आसपास में इनके पास फूड का सोर्स है, इसकी फ्लावर्स है आसपास, और इन्हें सेफ होम में इन्हें हमें पेड़ के नीचे नहीं रखना चाहिए, जिससे कि ये जब है ना, जब बरसात का मौसम हो जाता है तब इन्हें कोई मतलब बरसात से पेड़ से जब थोड़े देर तक ज़्यादा देर तक जब पानी गिरता रहेगा वो बीज के लिए हानिकारक होता है। और हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो एंट्स और बीटल्स वगैरह इन्हें आके डिस्टर्ब ना करें, जिसके कारण ये है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं और हनी प्रोवाइड नहीं कर पाते। और इसी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हॉर्नेट्स होते हैं, वो है ना जाने की आसान शब्दों में जो भमरे होते हैं वो आके इन सबको मार देते हैं। और हमें ध्यान रखना होगा कि हॉर्नेट इन्फेस्टेड एरियाज़ में हम एपिकल्चर नहीं कर रहे हैं, और एपिकल्चर में हमें इनके लिए कुछ हनी छोड़ देना चाहिए। विंटर्स में हमें इनसे हनी कलेक्ट नहीं करना चाहिए, और समर्स में हम इनसे हनी कलेक्ट कर सकते हैं, और उसी के साथ पोलन ब्रेड्स इनसे कलेक्ट कर सकते हैं। जो ये पोलन सैक्स अपना पोलन सैक होता है उसमें ये अपने पोलन्स इकट्ठा करते हैं, जिससे पोलन के कई सारे चीज़ें बनते हैं, जैसे कि पोलन बिस्किट्स आदि। हमें बीज से हमें पोलन ब्रेड्स मिलते हैं, बीज से हमें हनी मिलता है, बीज से हमें बी वैक्स मिलता है जो कॉस्मेटिक्स के काम आता है। तो मिलेंगे फिर आपके साथ, देखेंगे और नई बातें लाएंगे। छठ निकल गया, दिवाली निकल गई, अब नए साल की और हम सब चल रहे हैं, तो हो सकता है नया साल कुछ और अच्छा होगा, कुछ और बढ़िया होगा। बीच में मौका लगा तो फिर आपसे बात करूँगा। रेडियो मधुबनी की तरफ से धन्यवाद।